अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आप अपने YouTube चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने YouTube चैनल को मोनिटाइज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एंड आप लोगों को मैं बताता चलूं कि ये जो वीडियो मैं इस वक्त बना रहा हूं, ये 2023 की एक अपडेटेड वीडियो है। 2023 के अंदर भी अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो सेम इसी तरीके को आप अप्लाई करके अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंपल चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल मोनिटाइजेशन अप्लाई करने के लिए मैं आ चुका हूँ सिंपली मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों, आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर नहीं जाना, सिंपली आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वाइट स्टूडियो नाम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक चैनल ओपन है जिसका नाम है आदम ट्रैक्टर, और इसके ऊपर 1147 सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये मेरा चैनल नहीं है, ये हमारे एक दोस्त हैं सऊदीया से जिनका ये चैनल है, तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे चैनल को अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको मोनिटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखें, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इनके चैनल के ऊपर 1147 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 6100 वॉच टाइम हो चुका है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, एंड 2-स्टेप वेरीफिकेशन भी ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके चैनल के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 स्टेप मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप टर्म एंड कंडीशन का है, सेकंड स्टेप में आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट अटैच करना है, सेकंड स्टेप में आपका यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिकली चला जाता है रिव्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप को ओपन कर लेता हूँ, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने गूगल एडसेंस की जो पॉलिसीज़ हैं वो आ जाएंगी। अगर आप इनको रीड करना चाहें तो तसल्ली से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक चेक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने चेक मार्क लगा देना है, आई एक्सेप्ट YouTube प्रोग्रामिंग। इसके बाद आपने एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो डन हो चुका है। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, इसको आपने गौर से समझना है, इसमें बहुत सारे दोस्त गलतियाँ कर जाते हैं। इसमें हमने अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है, तो सिंपली आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये इस तरह से आ जाता है। अब ये पूछता है आपसे, आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट मौजूद है या फिर नहीं है, या आपको पता ही नहीं है। सो अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट मौजूद नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है नो आई नीड टू क्रिएट वन। और अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट मौजूद है, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, येस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप येस आई हैव एडसेंस अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद आपके सामने कुछ पॉलिसीज आएंगी, इसको आपने रीड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपको ईमेल अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे जितनी भी ईमेल्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगी, जिस पे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं या आपका पहले से मौजूद है, उस ईमेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, अब ये सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको आपके एडसेंस अकाउंट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी सारी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि इनका पहले से ही एडसेंस अकाउंट मौजूद है। ठीक है जी, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं हाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एसोसिएशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप एक्सेप्ट एसोसिएशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब ये फिर से रीडायरेक्ट करेगा आपको आपके एडसेंस अकाउंट में, और आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो आपके चैनल के साथ अटैच हो जाएगा, और ये फिर से आपको रीडायरेक्ट करेगा आपको वाइटी स्टूडियो के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रीडायरेक्ट कर रहा है। जैसे ही ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइटी स्टूडियो के अंदर दोबारा से आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो डन
हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, अगर आपका पहले से एडसेंस अकाउंट मौजूद है तो आपका सेकंड स्टेप उसी वक्त डन हो जाएगा। अगर आप न्यू एडसेंस अकाउंट इसके साथ क्रिएट करके अटैच करेंगे तो वहाँ पे ये 8 से 10 घंटे लेगा, आपका प्रोग्रेस में जाएगा। उसके बाद 8 से 10 घंटे के बाद आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा एंड उसके बाद सेम इसी तरह आपका चैनल भी रिव्यू में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जस्ट YouTube की ईमेल आने का वेट करना है, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों 8 से 10 घंटे वेट करने के बाद हमारा YouTube चैनल मोनिटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं आपको ले चलता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइड में आप स्क्रीन शॉट भी देख सकते हैं कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल का जो स्टूडियो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वेलकम टू YouTube पार्टनर प्रोग्राम, एंड आगे लिखा हुआ है कि कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू YouTube पार्टनर प्रोग्राम, मतलब कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको वीडियोज़ में ले चलता हूँ, वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ कि वाकई हमारा चैनल मोनिटाइज हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने वीडियोज़ को ओपन किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी सारी वीडियोज़ के ऊपर डॉलर साइन का ऑप्शन आ चुका है, मतलब कि हमारा चैनल 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर मोनिटाइज हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरह से दोस्तों आपने भी अप्लाई करना है और आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करके अपने चैनल को जल्दी से जल्दी मोनिटाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।